आज बोड़ागढ़ थाना क्षेत्र के प्रांगण में ईद एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र प्रसाद राउत मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जबकि इस बैठक में समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। वहीं इस बैठक में सिंदरी डीएसपी ने अपनी वार्ता में सर्वप्रथम डीजे को लेकर पूर्णतः प्रतिबंध की बातें कही और साथ ही साथ सभी लोगों को एक साथ दोनों पर्व को लेकर बधाई भी दी, जबकि बोड़ागढ़ के थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से भाईचारे के साथ पर्व मनाने को कहा और किसी को भी विधि व्यवस्था भंग न करने की नसीहत भी दी, जबकि अगर किसी भी प्रकार की कोई गुप्त सूचना देने हो तो वो मुझे स्वयं दे सकते हैं की बातें दोहराई। वहीं बैठक में मुख्य रूप से सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र प्रसाद राउत, झरिया थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार, जोड़ा पोखर सर्किल इंस्पेक्टर उषा रानी एवं बोड़ागढ़ थाना प्रभारी, सभी पदाधिकारी एवं क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी उपस्थित थे। आज बोरागढ़ गोभी परिसर में ईद और रामनवमी को लेकर के शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी लोगों को बताया गया है कि अभी आचार संहिता लागू है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो सभी त्यौहार इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के आलोक में मनाना है और कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि शांति व्यवस्था भंग हो। और पुलिस हमेशा सतर्क है, कोई अफवाह फैलाता है उस पर ध्यान ना दें, अफवाह फैलाने वाले पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभी जिनको परमिशन नहीं है वैसे जुलूस लेकर के रोड पे नहीं निकले, डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है, डीजे नहीं बजेगा और तमाम तरह का निर्देश दिया गया है ताकि लोग शांतिपूर्ण ढंग से ईद और रामनवमी का त्यौहार मना सकें। सर किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लाया गया? सर यही मैं बता ही दिया हूँ, डीजे नहीं बजेगा। और जो त्यौहार के नाम पर जो हुड़दंगी जो हुड़दंग करते हैं उनके साथ क्या की जाएगी? सर जो भी त्यौहार के नाम पर हुड़दंग करेंगे उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।